चलेंगे। 5 दिवसीय योग शिविर के इस प्रातःकालीन सत्र में हम सभी उपस्थित हैं और बड़े ही नेक और बड़े ही लाभकारी अभ्यासों में हम अपने आप को जोड़ रहे हैं। तो आइए इस योग की परंपरा को और जन जन तक फैलाएं, और जन जन तक जब फैलाएंगे तो भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा, और प्राचीन काल से जो भारत की महिमा और गरिमा पूरे विश्व में है उसे हम कभी धूमिल नहीं होने देंगे। इस विराट संकल्प के साथ हम आज अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। तो अनुलोम विलोम कैसे करना है और करने से हमें क्या लाभ मिलेगा, इन सारी चीजों पर हम ध्यान करेंगे। तो दाहिने हाथ को ऊपर उठा लें, दाहिना हाथ राइट हैंड, और तर्जनी को मोड़ लेंगे, इस छोटी अंगूठे की बगल की अंगुली को मोड़ लिया, और दाहिना अंगूठा को अभी हथेली को आगे से अपने नाक की तरफ घुमा लें। अब अंगूठा को दाहिने नाक पे लगाइए, धीरे से फिर सीधा करें, और बाएं नाक से धीरे धीरे सांस भरेंगे, फिर बायां को बंद करेंगे और दाहिने से छोड़ेंगे, फिर उसी से भरेंगे दाहिने से ही, दाहिना बंद करके और बाएं से छोड़ेंगे, फिर बाएं से लेंगे दाहिने से छोड़ेंगे। तो आइए आंख बंद करके और हम लोग मिलकर के सभी भाई बहन अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे आंखें बंद, मन शांत, मेरुदंड बिल्कुल सीधा, और अनुलोम विलोम का अभ्यास धीरे धीरे अनुलोम विलोम करिए। अनुलोम विलोम का अभ्यास करने से हमारे अंदर कई प्रकार के तत्वों का जागरण होता है, जैसे उत्साह है, उमंग है, चेतना है, बल बुद्धि विवेक है, ज्ञान है, प्रेम है, करुणा है, दया है, सेवा है, परोपकार है। सोचिए मैं कितने शब्दों को रखा आपके बीच में, एक एक शब्द का यदि विश्लेषण किया जाए तो जीवन गुजर जाए, उसका विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। प्रेम का, करुणा का, दया का, इतना लाभकारी और गुण शब्द है ये। लेकिन अनुलोम विलोम का लगातार जब अभ्यास करेंगे तो नाड़ी शोधन की क्रिया है यह, नाड़ी शुद्ध होने से हमारे रक्त पवित्र हो जाते हैं और पूरी पवित्रता के साथ आंतरिक स्नान, आज तक तो हम लोग साबुन सर्फ लगा करके बाहर से शरीर को मलमल के धोया लेकिन अंदर से हमने कभी नहीं धोया। मन का आंगन ना फुहारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, लंबे गहरे अभ्यास के साथ प्रभु की आराधना। लाभ जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, मन ही मन आप गायत्री मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, अल्पा जप करते हैं, ओम बाएं नासिका को इड़ा करते हैं, दाहिने को पिंगला करते हैं। इड़ा और पिंगला चंद्र स्वर और सूर्य स्वर के माध्यम से जब हम लगातार इस अभ्यास को करते हैं तो मेरुदंड में अवस्थित सुषुम्ना नाड़ी में प्राणवायु प्रवेश होने से